आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ा हादसा, बस खड़े ट्रक से टकराई, 10 लोगों की मौत। मंदी के दौर में केंद्र को झटका, आरबीआई ने दिए जीडीपी घटने के संकेत। 1984 के नरसंहार पर मनमोहन सिंह का खुलासा, गुजराल की मानते तो हालात नहीं बिगड़ते। एमपी के गृह मंत्री बाला बच्चन का ऐलान, पैसा चाहिए तो कांग्रेसी बनो, अब हम मूर्ख नहीं बनने वाले। और इंदौर में जीतू सोनी की संपत्तियों के अवैध निर्माण पर चला सरकार का बुलडोजर। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर रीवा से है। रीवा में तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक में जा घुसी। ये हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार 10 यात्रियों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। कुछ घायल बस और ट्रक के बीच फंसे रह गए, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। इस मामले में बस ड्राइवर की गलती साफ नजर आई। सुबह लगभग 6 बजे एक तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक के पीछे से टकरा गई, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। इस बस में कई यात्री फंसे हुए थे। तेज रफ्तार बस के ट्रक के पीछे से टक्कर से उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक में फंसे बस की अलग करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। प्रधान ट्रेवल्स की यह बस रीवा से सीधी जा रही थी, इसी दौरान बाईपास पर यह हादसा हुआ। घटना के बाद यात्री घबराकर चिल्लाने लगे। वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और एम्बुलेंस को दी। उन्होंने बस के पीछे का दरवाजा खोलकर बैठे यात्रियों को भी बाहर निकाला और घायल यात्रियों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। ये सुबह 6 बजे के आसपास की घटना है। रोड हमारे यहाँ एक रेगुल थाना है, वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था रोड के किनारे, और जो सड़क के जस्ट ऑपोजिट जो फैमिली रहती है उसके हिसाब से जो बच्चन एक आवाज़ है उनका खड़ी हुई ट्रक की बस से हिट कर रही है, कोहरे की वजह से या स्लीपिनेस की वजह से ड्राइवर के जो भी कारण हो, और क्योंकि तेज गति में बस थी और एकदम से हिट किया है तो पूरा लेफ्ट साइड बस का फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है, और उसी की वजह से जो पैसेंजर्स बैठे थे वो भी गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए। अभी 32 लोगों के आने का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया है बस के, जिसमें से 9 लोगों की डेथ कन्फर्म हो गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इंजर्ड हैं वो सब लोग प्रॉपरली उनको अटेंड। दखल न्यूज संवाददाता राजकुमार पांडे ने बताया कि बस में करीब 60 यात्री सवार थे। घायल यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर बस को बहुत तेज रफ्तार से चला रहा था, इसी दौरान गुड़ बाईपास पर वो नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे हिस्से में जा टकराई। अगले हिस्से में बैठे ड्राइवर और यात्रियों की मौत हो चुकी थी। इस मंजर को देख पीछे बैठे यात्री घबरा कर चिल्लाने लगे। संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव एवं रीवा पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। संभागायुक्त ने कहा कि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद दिलाई जाएगी। वहीं अंचल शेखर द्वारा कहा गया कि प्रधान ट्रेवल्स के ऊपर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रधान बस सर्विस की बस है, वो रीवा के ही रहने वाले हैं, उनकी कई बसें चलती हैं, और ये बस हादसा में जैसी बात हुई है घायलों से, उनका कहना है कि बहुत तेज गति से बस चल रही थी, जबलपुर से चली थी ये और सीधी तक जा रही थी, तो इसमें निश्चित रूप से और ड्राइवर जो है कूद कर भाग गया है, तो ड्राइवर को हम लोग मात्र जो है एक्सीडेंट का आरोपी ना मानते हुए उस पर हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 की कार्रवाई करेंगे। एक तो वो है, और दूसरी बात है कि अगर उसके फिटनेस और बाकी चीज़ों में कमी है तो उस पर मालिक और उसका जो ऑनर है, फ्लीट का ऑनर है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि रीवा से सीधी जा रही एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। इस भीषण दुर्घटना में मृत सभी यात्रियों के परिवारों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इस दुर्घटना में घायल सभी यात्रियों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद के निर्देश भी दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश की जीडीपी बढ़त के अनुमान को 6.1% को घटाकर 5% कर दिया है। इसके पहले रिजर्व बैंक ने अक्टूबर महीने में नीतिगत समीक्षा में यह अनुमान जाहिर किया था कि वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी बढ़त
6.1% हो सकती है। आरबीआई का यह बदलाव केंद्र सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को पहले ही घटा दिया था। अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि जोखिम पर संतुलन बनने के बावजूद जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कम रह सकती है। गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6 साल के निचले स्तर 4.5% तक पहुंच गई थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद दरों का ऐलान हो गया। अनुमान के विपरीत रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए विकास दर का अनुमान 6.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया से कहा कि एमपीसी के अनुसार आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई हैं और आउटपुट गैप अब भी नेगेटिव है। रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स फ्रॉम 6.1% इन द अक्टूबर पॉलिसी टू 5%, दैट इज 4.9 टू 5.5% इन H2 एंड 5.9 टू 6.3% फॉर H1 ऑफ 2021। The MPC was of the view that economic activity has weakened further and output gap remains negative. However, several measures already initiated by the government and the monetary easing undertaken by the Reserve Bank since February 2019 are gradually expected to further feed into the real economy. The impact of external benchmarking of lending rates by banks will further play out in the coming days and months. Inflation is rising in the near term, but it is likely to moderate below target by Q2 of 2021. इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 3 दिन चली बैठक के बाद रिजर्व बैंक धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए नीतिगत दरों में एक बार और कटौती कर सकता है। केंद्रीय बैंक अब तक लगातार 5 रेपो रेट में कटौती कर चुका था, लेकिन 6ठी बार उसने ऐसे यथावत रखना सही समझा। इससे पहले देश की आर्थिक विकास दर में लगातार गिरावट को देखते हुए बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ाने के इरादे से रिजर्व बैंक 2019 में अब तक रेपो रेट 5 बार घटा चुका है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार दिशाहीन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। अगर साल के अंत तक विकास दर 5% तक पहुंचती है तो हम भाग्यशाली होंगे। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद गुरुवार को पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था पर सरकार दिशाहीन है, साल के अंत तक विकास दर 5% तक पहुंचती है तो हम भाग्यशाली होंगे। याद रखें कि डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम ने 5% विकास दर की चेतावनी दी थी। असल में यह 5% नहीं है, ये 1.5% से कम है, क्योंकि जीडीपी तय करने का तरीका संदेहास्पद है। खुद की गिरफ्तारी पर चिदम्बरम ने कहा कि सरकार पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। सरकार लगातार गलती पर गलती कर रही है, जिन्हें छुपाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। The government is wrong. It is wrong because it is clueless. It is unable to look for the obvious clues because it is stubborn and mulish in defending its catastrophic mistakes like demonetization, flawed GST, tax terrorism, regulatory overkill, protectionism, and centralized control of decision making in the Prime Minister's office. Please reflect on each one of the charges that I've made. In the days to come, I shall speak, give interviews, and write elaborately on each one of them. Nothing sums up the state of the economy better than the following series of numbers: 8, 7, 6.6, 5.8, 5, and 4.5. Those are the quarterly growth rates of GDP in the last 6 quarters. पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने कहा, 106 दिन के बाद आपसे बात करने में खुशी हो रही है। मुझे जब घर से गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की याद आई, जिन्हें इस तरह रखा गया है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि आज बिना किसी आरोप के लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वे स्वागत करते हैं।
1984 के सिख दंगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि उस वक्त आईके गुजराल की बात मानी होती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते, उनकी सलाह पर चलते तो 1984 के नरसंहार को टाला जा सकता था। मनमोहन सिंह की बात का सीधा मतलब है इस सब के लिए तत्कालीन गृह मंत्री पीवी नरसिंहा राव दोषी थे। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हुई हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों के जख्म अब तक पूरी तरह से नहीं भरे हैं। इस दंगे में कई निर्दोषों को जान गंवानी पड़ी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बेकाबू हुए कांग्रेसियों का गुस्सा निर्दोषों पर फूट पड़ा था। हाल ही में 1984 के दंगों को लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने कहा है कि उस वक्त अगर दिवंगत इंद्र कुमार गुजराल की बात मान ली गई होती तो देश में इतने हालात नहीं बिगड़ते। मनमोहन सिंह ने आईके गुजराल के 100वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित इस समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों को टाला जा सकता था अगर गुजराल की सलाह को मानते हुए हिंसा पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द सेना को बुला लिया जाता। Sad event of 1984 took place Gujralji on that very sad evening he went to the then home minister Shri P.V. Narasimha Rao and said to him that the situation is so grave that it is necessary for the government to call the army at the earliest. If that advice had been heeded, perhaps the massacre that took place in 1984 could have been avoided. पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि जब 1984 में यह दुखद घटना घटी गुजराल जी तब के गृह मंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव के पास गए और उन्होंने कहा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द सेना को बुला ले। अगर उस वक्त यह सलाह मान ली जाती तो 1984 में जो नरसंहार हुआ उसे टाला जा सकता था। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि गुजराल और मैं एक ही विरासत को साझा करते हैं कि हम पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे जो भारत देश के प्रधानमंत्री बने। कार्यक्रम के दौरान सिंह ने कहा कि मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैंने अपना करियर मास्को में उस वक्त शुरू किया जब आईके गुजराल एम्बेसडर थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो पाटिल समाज के एक कार्यक्रम का है जिसमें बाला बच्चन बोल रहे हैं कि आप जो राशि मांगना चाह रहे हैं मैं उससे ज्यादा दूंगा, पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो, अब हम मूर्ख नहीं बनने वाले। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा इसे पद का दुरुपयोग बताया है जिसकी शिकायत वो राज्यपाल से करेंगे। बड़वानी में गृह मंत्री बाला बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो गांव के लोगों को कथित तौर पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। यह वीडियो ग्राम पंचायत जलगौन पाटिल समाज के कार्यक्रम का है। इस वीडियो में बाला बच्चन बोलते नजर आ रहे हैं कि आप जो राशि मांगना चाह रहे हैं उससे ज्यादा दूंगा, पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो, अब हम मूर्ख नहीं बनने वाले, हमने 50-50 करोड़ की सड़कें स्वीकृत कराई जहां 700-700 वोट की लीड मिली, मांगलिक भवन और मंदिर के पैसे दिए, मंदिर में बैठकर कसम खाई और चुनाव आया तो सब हमारे खिलाफ हो गए। सनगांव, संगोदा, बिलवा, देव और रणगांव में पैसे दिए, सब हमारे खिलाफ गए, हमने 50-50 हजार के किसान के कर्जे माफ किए, लिस्ट लेकर आऊंगा, 50% लोगों का कर्ज माफ हुआ, हम तुम्हारे लिए सब करें और तुम फूल फूल करो तो हम मूर्ख नहीं बनेंगे। हालांकि उनके वीडियो के वायरल होने के बाद गृह मंत्री बाला बच्चन ने सफाई में कहा कि उनके शब्दों को गलत माना जा रहा है और वीडियो एक पार्टी की बैठक का था जहां वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, वास्तविकता वह नहीं है जो कहा जा रहा है। जो राशि मांगना चाह रहे हो मैं दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा, लेकिन पहले आप विचार कर लो और पहले कांग्रेस ज्वाइन करो, ठीक है, उसके बाद, क्योंकि हमको इन सबको भी जवाब देना है, नहीं तो हम आप मूर्ख नहीं बनने वाले। सही सही बात है। हमने अभी 50 करोड़ की सड़कें इधर मंजूर कराई जहाँ हमको जो 600-700 करोड़ की लीड मिली, मेरे को इतना दुख हो रहा था जिस दिन गिनती चल रही थी कि हमने तुम्हारे जो वर्षों से जो मांगली भवन बिलवा में मैंने कष्ट भगवान के पैसे मंदिर के लिए राखी थी और सब वो समाज के लोगों ने बैठ के इन चीजों को बोली थी, जो देखते गाँव में क्या हुआ लोगों का,
हम नहीं बदलते, लोगों में पहले सोच और लोगों की ये है कि भाई नेता बदलते हैं, लेकिन देख लो यहाँ तो उल्टा हुआ है। तो पहले हमारे जाने के बाद इनको पक्के करो। मैंने अगर यहाँ कोई भी अभी घोषणा की तो धनाधन धमाधन धनाधन हमारे पढ़े वालों को भी लगेगा कि पहले हमारे लिए करो। तो पहले वो हमारा इंतजाम, पहले जो आप जो करने जा रहे हो, पहले हम हमारी पार्टी का इंतजाम करें। आप हमको विचार करके बता देना, दो चार दिन बाद हम फिर आ जाएंगे। यहाँ तो घाटे का सौदा है, जिसके लिए हम जो रात दिन जो लोगों के लिए वो करते हैं, तो घाटे का सौदा तो हम भी क्यों मूर्ख बने, फिर थोड़ा बहुत हम मसाला उधर ज्यादा डाले। गृह मंत्री बाला बच्चन के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे पद का दुरुपयोग बताया है। वायरल वीडियो सोमवार रात का बताया जा रहा है। बाला बच्चन बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में जलगांव गांव में पाटिल समाज द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह को वे संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मंत्री ग्रामीणों के सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसमें ग्रामीणों ने विकास कार्य के लिए धन की मांग की थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप जो मांग रहे हैं उससे अधिक राशि मैं दूंगा, पहले विचार करें और कांग्रेस में शामिल हों, क्योंकि हमें उन सभी मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं को जवाब देना होगा, अब हम मूर्ख नहीं बनने वाले। इसके बाद भाजपा ने गृह मंत्री पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा न केवल अपने पद का दुरुपयोग है बल्कि जनता को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए धमकाने का भी मामला है। यह समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। वे इसकी शिकायत राज्यपाल से करेंगे। संध्या लोक स्वामी अखबार में हनी ट्रैप की खबरें सबूतों के साथ प्रकाशित होने के बाद सरकार ने जीतू सोनी पर नकेल कसी और उनके अवैध कारोबार पर खुलासा किया। इंदौर प्रशासन ने जीतू सोनी की संपत्तियों पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और तोड़ा। इस कार्रवाई के बाद इंदौर प्रशासन पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि इतने सालों से सब कुछ गलत हो रहा था तो प्रशासन आंख बंद कर क्यों बैठा रहा। संझा लोकस्वामी में हनी ट्रैप मामले के खुलासे के साथ सरकार ने जीतू सोनी के अवैध कारोबारों पर शिकंजा कसा और मानव तस्करी अतिक्रमण लूट व अन्य मामले दर्ज किए। जीतू सोनी के अवैध निर्माण पर गुरुवार अल सुबह 5 बजे से नगर निगम का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। साउथ तुकोगंज स्थित होटल वेस्ट वेस्टर्न के अवैध हिस्सों को हटाने का काम शुरू हुआ। इसके साथ ही गीता भवन चौराहा स्थित होटल माय होम, कनाडिया रोड स्थित सोनी के बंगले, O2 और न्यू पलासिया स्थित O2 कैफे के अवैध हिस्सों पर भी कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अफसरों ने चारों जगह मुआयना करने पर दस्तावेज जुटाने के साथ ही कार्रवाई की रूपरेखा 2 दिन पहले ही तैयार कर ली थी। जीतू सोनी के अवैध कारोबार के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई बुधवार देर रात तक जारी रही। जीतू की चारों स्थानों की संपत्ति की नप्ती शुरू की गई। बुधवार को निगम अधिकारी चारों जगह पहुंचे और देखा कि किस इमारत में कितना हिस्सा तोड़ा जाना है। माय होम होटल पर कार्रवाई के दौरान निगम की 3 में से 2 पोकलेन मशीन तकनीकी खराबी की वजह से बंद हो गई। इस कार्रवाई से पहले 100 से ज्यादा गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। कार्रवाई के लिए निगम ने 12 पोकलेन मशीन, 250 निगम कर्मी, 250 मजदूरों को मिलाकर 13 टीमें बनाई। इसके अलावा वाइब्रेट गैस कटर, ट्रैक्टर और डंपर आदि भी इस अभियान में शामिल हुए। होटल माय होम 2 बेसमेंट में पार्किंग बनानी थी, लेकिन मौके पर 2 हॉल बने हैं जिसकी दीवारें तोड़ी गई हैं। साउथ तुकोगंज स्थित वेस्ट वेस्टर्न होटल की टॉप फ्लोर पूरी तरह अवैध मिली। इसके अलावा बेसमेंट में पार्किंग की जगह हॉल और कमरे बनाए गए हैं, वहां भी खुला क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है। कनाडिया रोड स्थित सोनी के बंगले पर काफी अवैध निर्माण मिला। वहां 2100 वर्ग फीट की मंजूरी है, लेकिन बंगला 7 से 8 हजार वर्ग फीट जमीन पर बना है। इसके अलावा आसपास भी अवैध कब्जा है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ में तहसील कार्यालय इन दिनों ठेके पर चल रहा है। जिला मुख्यालय की तहसील में रीडर का कार्य कर्मचारी से न कराकर एक निजी व्यक्ति से कराया जा रहा है।
और ये सब आला अधिकारियों की देख रेख में हो रहा है। तहसील में किसान अपना कार्य कराने तहसील के सरकारी कर्मचारी के पास न जाकर एक निजी व्यक्ति के पास जाते हैं और उनका कार्य हो जाता है। यही नहीं, बाबू से लेकर तहसीलदार का कार्य भी यही व्यक्ति कर रहा है। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय की तहसील इन दिनों सरकारी कर्मचारियों की मेहरबानी से ठेके पर चल रही है। तहसील में रीडर का कार्य कर्मचारी से न कराकर एक प्राइवेट व्यक्ति से कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जिले के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। दरअसल टीकमगढ़ तहसील में पिछले कई महीनों से नियम विरुद्ध अरविंद प्रजापति रीडर का कार्य कर रहा है, जबकि रीडर के पद पर ओम प्रकाश नापित पदस्थ है। लेकिन साहब की मेहरबानी और दरियादिली का सारा कार्य निजी व्यक्ति के हाथों में दे दिया है। किसानों का कहना है कि तहसील कार्यालय में प्रजापति ही सब काम करा देते हैं। अब आप कल्पना करिए कि जब किसान तहसील में अपने कार्य से पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात किसी सरकारी कर्मचारी से नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति अरविंद प्रजापति से होती है, जो पूरी तहसील का संचालन करता है। अगर इन किसानों की बातों को माने तो चपरासी से लेकर तहसीलदार तक के सारे कार्य अरविंद प्रजापति ही निपटाते हैं। अरविंद प्रधानी कब से आप यहाँ? यहाँ सर दो तीन महीने। प्राइवेट हो गया आप यहाँ? जी सर। जी? किस पद पर? किस पद पे हो आप? मैं सर प्राइवेट हूँ। किस पद पर हो? किसी पद पर नहीं। फिर कैसे कर रहे हैं आप यहाँ काम? किसकी अनुमति से कर रहे हैं आप यहाँ? तहसीलदार की। क्या काम क्या करते हो आप यहाँ? सर रिकॉर्ड रूम की फाइल बना रहा हूँ। अच्छा, रिकॉर्ड रूम। कितने समय से हो भैया आप यहाँ? दो तीन महीने। क्या नाम क्या लिखते हैं आप? कौन से पद पे हैं ये पता नहीं है आपको? मैं बताया कि मैं कोई पद पे नहीं। अच्छा, पद पे नहीं, मतलब आप प्राइवेट करते हो यहाँ? जी सर, सर की आदेश। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मनीष का कहना है कि किसी भी शासकीय ऑफिस में निजी व्यक्ति से कार्य कराना नियम विरुद्ध है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तहसीलदार अनिल तलैया से फोन पर इस मामले पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। कलेक्टर ने भी फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। तहसील में रीडर पद पर पदस्थ ओम प्रकाश नापित कहते हैं कि हाँ, प्राइवेट व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं, उनको जरूरत पड़ने पर बुला लेते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कल से हटा देंगे। समाज के कई संगठनों ने आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा देने के निर्णय का समर्थन किया है। संगठन का कहना है कि अंडा दिए जाने से बच्चों में कुपोषण कम होगा। समाज चेतना अधिकार मंच ने अंडा वितरण के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम जवा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रीवा के जवा में कई सामाजिक संगठनों ने आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडा दिए जाने के निर्णय का समर्थन करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया है। संगठनों ने बाजार में रैली निकालकर सरकार के निर्णय का समर्थन किया है। संगठन का कहना है कि सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी में अंडों का वितरण का निर्णय सराहनीय है। गौरतलब है कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को एक सप्ताह में 3 दिन अंडा देने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह ने कहा कि सरकार के अंडा वितरण के निर्णय का समर्थन जिस तरीके से क्षेत्र के दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने किया है वह काबिले तारीफ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सामाजिक कार्यकर्ता सिया दुलारी आदिवासी ने कहा कि खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से मुक्ति के लिए जन यात्रा के जरिए समाज और सरकार के बीच एक सूत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान समाज चेतना अधिकार मंच द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पारिवारिक विवाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली के घोघरा गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया और जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में राम सजीवन नाम का व्यक्ति घायल हो गया, जिसको लेकर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी भागने की फिराक में थे। ये आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। आपसी निकट संबंधी दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, उसमें लाठियां भी चली, जिसमें जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मृतक है, उसको चोट आई। चोट किसी संवेदनशील अंग पे आने के कारण वो मूर्छित हो गया। मूर्छा की अवस्था में ही वो अस्पताल गया, वहाँ पे चिकित्सकों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। अभी तक की छानबीन में जो बात सामने आई है,
उनके बीच में पहले से भी थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा था, पारिवारिक कुछ विवाद थे उनके। कल की स्थिति में उनके बीच विवाद बढ़ा और आवेश में आकर के ऐसी घटना हुई है। इस मामले में 3 आरोपी का नाम सामने आया है, तीनों को पुलिस ने तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच के एक हवलदार को 6,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। हवलदार ने शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाने के नाम पर 10,000 की मांग की थी। क्राइम ब्रांच के एक हवलदार को 6,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार शाम को चिनार पार्क के पास रंगे हाथों पकड़ा है। उसने शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाने के नाम पर रुपए मांगे थे। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार ऐशबाग निवासी खालिद कुरैशी एक मीट की दुकान पर काम करता था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। उसने 2 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि क्राइम ब्रांच का हवलदार महेंद्र प्रसाद उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है और 10,000 रुपए की मांग कर रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने योजना बनाकर खालिद के द्वारा हवलदार को चिनार पार्क के पास बुलाया। खालिद 6,000 रुपए लेकर आया। हवलदार महेंद्र वहां अपनी कार में पहुंचा। उसने कार रोकी और खालिद को रिश्वत की रकम गाड़ी में रखने को कहा। जैसे ही खालिद ने रकम रखी, लोकायुक्त ने महेंद्र को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान डीएसपी संजय जैन, इंस्पेक्टर सलील शर्मा, मुकेश तिवारी और मयूर गौर शामिल थे। रीवा के त्योथर में महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए जनपद उपाध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने मंत्री जीतू पटवारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। मिश्रा ने पटवारी को बताया कि अगर ऐसा नहीं होता तो विद्यार्थियों को 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। त्योथर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने त्योथर तहसील के एकमात्र शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और महाविद्यालय में परीक्षा करवाने के लिए मांग की। जनपद उपाध्यक्ष के इस कदम पर छात्र नेता आशुतोष शुक्ला और अन्य छात्र छात्राओं ने उनके प्रति आभार प्रकट किया। इस महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र विगत कई वर्षों से त्योथर में 90 किलोमीटर की दूरी पर रीवा में बनाया जाता है, जबकि महाविद्यालय में अध्ययनरत ज्यादातर छात्र छात्राएं गरीब घर से हैं, जिनके पास रीवा जाने की व्यवस्था नहीं हो पाती और वे परीक्षा से वंचित हो जाते थे। हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या करने के विरोध में केनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सामाजिक संगठन केन पाल ने मोमबत्ती जलाकर शांति मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और जल्द से जल्द अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हैदराबाद में एक लड़की के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। भोपाल के व्यापम चौराहे पर कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सामाजिक संगठन केनपाल ने मोमबत्ती जलाकर शांति मार्च निकाला एवं दर्दनाक घटना की घोर निंदा की। CBOA के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी के त्रिपाठी का कहना है कि इस तरह की घटना करने वाले अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। इस दौरान बैंक के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हैदराबाद में जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जो जघन कृत्य किया गया है, जो अमानवीय कृत्य किया गया है, उसके विरोध में आज केनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने एक मौन यात्रा निकाली थी चिनार पार्क से लेके अपने व्यापम चौराहे तक। इसमें हमारी मांग है कि जस्टिस तेजी से तेजी मिलना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको सजाए फांसी दी जाना चाहिए। हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर और नरसिंहपुर की बरमान चौकी में एक लड़की के साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या के विरोध में श्रमजीवी पत्रकार परिषद और प्रेस क्लब ने राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने हैदराबाद में डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय घटना और नरसिंहपुर की बरमान चौकी में एक बालिक के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पत्रकार संघ का कहना है कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जिसने मानवता को झकझोर दिया है। इस घटना से समुचित भारतवर्ष जनमानस कटु शब्दों में निंदा करता है। साथ ही प्रेस क्लब इकाई के समस्त पत्रकारों ने इस घटना में लिप्त आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। पत्रकारों का कहना है कि ऐसी घटना फिर ना दोहराई जाए, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और समाज को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। तेंदुखेड़ा में पत्रकार संघ द्वारा प्रियंका एवं आरती के जो जघन्य घटना घटित हुई है, इसको लेकर के शीघ्र न्याय मिले, अपराधियों को विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई हो, इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन आया है और इनके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाए, शीघ्र न्याय दिलाए। जो तरंग की घटना घट रही है
उसको लेकर ज्ञापन दिया। इसके पूर्व भी तेलुगुक पत्रकारों ने समय समय पर इस मांग को उठाते रहे हैं। मगर कुछ दिन पहले जब घटना घटी थी उसके लेकर ज्ञापन दिया, इससे प्रशासन भी सचेत हुआ और जिला पुलिस सक्रिय हुआ। तत्काल ही तेंदुलकर पत्रकारों ने ज्ञापन दिया था, उसी के ठीक एक घंटे बाद माननीय एसपी महोदय और माननीय अन्य जिम्मेदाधिकारी इस घटना को लेकर तत्काल बरमान पहुँचे और इस प्रक्रिया को उन्होंने गंभीरता से लिया। चूँकि अखबार धीरे धीरे विशाल रूप ले रही थी, जब उन गहराई में देखा तो दो वहीं के स्थानीय व्यक्ति इस कारण पाए गए हैं। पत्रकारों को मानना पत्रकारों ने शासन से और ख़ासतौर से राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि चूँकि एक नियम है नाबालिग को पर यदि कोई दुराचार होता है उसके लिए फांसी सजा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।